हेलो जी अस्सलाम, छोड़ो यार इंट्रो का छोड़ो और फटाफट अपन जा रहे हैं अभी बाइक की डिलीवरी लेने को। चलो फटाफट जा रहा हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल चाल है आप सभी के। तो आज हमारे लिए है बहुत ही स्पेशल डेट, क्योंकि आज हम जा रहे हैं हमारे सुपर बाइक का डिलीवरी लेने। जी हाँ, क्योंकि आरूजा बहुत दिन से हम देख के रखे हुए थे उसको, तो वेट करते करते लॉकडाउन तो हटने वाला है नहीं, तो इसलिए हमने सोचा कि लॉकडाउन में ही जाके हम उसकी डिलीवरी ले लेते हैं। तो फिलहाल अभी चलते हैं और जाके डिलीवरी लेते हैं, क्योंकि अब हमसे इंतज़ार नहीं है, मैं इंतज़ार होता हूँ। तो फिलहाल अभी जस्ट आप लोगों ने इस बीस को देखा, और सच में यहाँ से आपको ऐसा लग रहा हो कि सच में एक बीस खड़ा ही है। तो राहुल भाई बोलिए कुछ बताएंगे इसके बारे में? इसके बारे में क्या बताऊँ, जितना बोलो उतना कम है। बहुत कम है। तो मैं बता दूँ कि सुजुकी हायाबुसा है, जो कि 2014 मॉडल है। यस। और 1300 सीसी की बाइक है ये, और जो कि पूरी वाइट है, फुल वाइट, इसको रॉयल कलर बोलते हैं। तो हम लोगों ने बहुत ही करीब से देखा, तो मैं थोड़ा सा और करीब दिखा देता हूँ। मैं भी थोड़ा करीब हो जाता हूँ। अभी सिर्फ आप लोगों ने मॉन्टाज देखा। तो फिलहाल इसमें आप देख सकते हो दो दो एग्जॉस्ट लगा है, एक उस साइड भी लगा है, एक इस साइड भी लगा हुआ है, और सच में बहुत अमेजिंग दिख रहा है। फर्स्ट टाइम मैं ऐसा फील कर रहा हूँ इतने क्लोजली, क्योंकि मैं बहुत टाइम से बोल रहा था जतिन को भी, भाई भूसा भूसा भूसा, लेकिन इस टाइम भूसा का हो गया जुगाड़। तो अभी इसको हम स्टार्ट भी करेंगे और देखेंगे और राइड भी करेंगे, तो देखेंगे कि कैसा परफॉर्म कर रही है, कैसा साउंड, एग्जॉस्ट साउंड। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको कोई बाइक दिखाता हूँ तो एग्जॉस्ट साउंड ज़रूर सुनाता हूँ मैं आपको, तो इसका एग्जॉस्ट साउंड सुनेंगे और देखेंगे। और राहुल भाई क्या बोलते हैं, अपन ले ले, मेरे ऊपर शूट करेगा कि नहीं है बाइक? ले लो, बहुत शूट करेगी बाइक। तो ये वाइस बीस्ट, तुम लोग वाइट बीस्ट, आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कि मेरे ऊपर शूट करेगा कि नहीं। भाई तो बोल रहा राहुल इतना अच्छा सपना देख रहा था तोड़ कर, मैं डिलीवरी तो ले लेने देता घर का। तो देखो यार, अभी मैं हूँ राहुल के घर के नीचे, बट वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है, पता नहीं सो रहा है कि क्या है। मैं सोचा उससे मिलेंगे, थोड़ी बातें बातें करेंगे, टाइम पास होगा, क्योंकि अभी 5:30 ही हो रहा है, 7 बजे अपनी इफ्तारी होती है, तो मेरे को 1.5 घंटे और किल करने हैं। तो मैं सोचा कि बाहर निकलता हूँ और टाइम ठीक करता हूँ, बट और उसको भी अपने सपने के बारे में बताता हूँ, बट नहीं लगता है कि उसको मेरे सपना, मेरे सपने में इंटरेस्ट नहीं है, उसको सुनने का नहीं। तो 5 मिनट और वेट करेंगे, फिर यहाँ से निकल जाएंगे। तो चलो जतिन को कॉल लगा के हम उसको अपने सपने के बारे में बताते, क्योंकि मेरे को हजम नहीं हो रहा ये सपना, तो किसी ना किसी को तो बताना पड़ेगा। कैसे हो सर? कहाँ हो सर? क्या कर रहे बच्चे? आज मैंने एक सपना देखा यार, बहुत कड़क वाला। हाँ क्या हुआ? सपना सपना रे, सपना ये था कि मैं लॉकडाउन में हायाबुसा खरीद रहा हूँ। क्या ऐसा, क्या फ्यूचर में ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं?
हो सकता है ऐसा? अरे क्यों नहीं हो सकता। मैंने सोचा यार ये इतना अच्छा सपना देखा हूँ तो किसी ना किसी को बताना बनता है, क्योंकि डाइजेस्ट नहीं हो रहा। कैसा लगा सपना? और ये शॉट मैं व्लॉग में भी ले रहा हूँ, तो क्या डाल सकता हूँ मैं ये शॉट? हाँ क्या बात है, क्या बात है। अरे क्या बात है, तेरी आए मेरी आए बात एक ही है भाई। हाँ सही है ना, लेके आप मुझे तो और खुशी होगा भाई। सही है भाई, जतिन को बता दिया, लगता राहुल के नसीब में नहीं है। छोड़ो सुन, तुझे क्या करना है? अरे मैं सोए रहूँगा, आके बोलना अरे मामू उठो दिन के 2 बज गए हैं, ठीक है? हाँ। तेज तेज कैसे बोलेगा? मामू उठो दिन के 2 बज गए हैं। रुक जा, अभी नहीं।